ईशान सर, कितनी बेशरम लड़की है। ईशान इसे इग्नोर कर रहा है तो खुद उससे मिलने आ गई। ईशान सर, ईशान बिजी है, कुछ काम था, बता सकती हो मुझे? कोई बात नहीं, बाद में आ जाऊंगी। एक्सक्यूज मी सभी, ईशान मेरा मंगेतर है, तुम उससे जो भी बात करने आई थी मुझसे भी कर सकती हो, हम दोनों एक ही हैं। थैंक्स बट नो थैंक्स, तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। इसमें तकलीफ की क्या बात है सभी, हर बीवी का फर्ज होता है अपने पति को हर मुसीबत से दूर रखे। क्या बात हुई तेरी ईशान सर से? सभी बताना, तेरी क्या बात हुई ईशान सर से? नहीं हुई और अब करनी भी नहीं, उनकी होने वाली मंगेतर उनको पसंद नहीं कि मैं ईशान सर से बात करूं। रीवा मैम ने कुछ कहा था? आई प्लीज इस बारे में कोई बात नहीं। सभी मैंने तुमसे कहा था ना, भंवर कोई भी उल्टी सीधी हरकत करे तो सीधा मुझे आके बताना। ये क्या नया तमाशा है? कहीं ईशान सर को रीवा मैम और मेरे बीच जो बात हुई है उसके बारे में पता तो नहीं चल गया? कहीं और तो नहीं लगी तुम्हें? भंवर पाटिल को छोड़ूंगा नहीं मैं। ये बस जरा सा। क्या जरा सा? उस भंवर ने उस प्यून को इतना मारा तुम्हारे सामने और अब यकीन हो गया तुम्हें मेरी बात का? भरोसा हो गया तुम्हें? या अब भी तुम्हें ऐसा लगता कि पाटिल बहुत अच्छा इंसान है, बहुत भगवान इंसान है? वो देख लिया उसके इरादे? उसके इरादे तुम्हारे लिए ठीक नहीं है सब, ये 100 बार बोल चुका तुम्हें। सब प्लीज, आप हमेशा से मेरी जिंदगी में नहीं थे, आपसे पहले भी मैं अपना ख्याल रख रही थी, अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर रही थी, तो इस गलत फहमी में मत रहिए आप कि मुझे आपकी प्रोटेक्शन की जरूरत है। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, ना आपकी ना भंवर पाटिल की। आप प्लीज जाइए, मुझे बहुत काम है अभी। ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम कर लो और मुझे जो करना है वो मैं कर लूंगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।